भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली बहुप्रतीक्षित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम साल के अंत में 2 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगी। 2018 में दोनों टीमों के बीच मैच 20 नवंबर से शुरू होंगे, जो 2019 की 18 जनवरी तक खेले जाएंगे। इसमें 4 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचों की पूरी सीरीज होगी। इंग्लैंड दौरे की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी शुरुआत T20 से होगी और फिर टेस्ट और आखिर में वनडे मैच होंगे। टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे का कार्यक्रम आपको बताते हैं। शुरुआत T20 से होगी और 20 नवंबर को पहला T20 मैच गाबा में खेला जाएगा। 23 नवंबर को दूसरा T20 मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा और 25 नवंबर को तीसरा T20 मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। T20 के बाद टेस्ट मैच खेले जाएंगे। 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक पहला टेस्ट मैच ओवल में खेला जाएगा। 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक दूसरा टेस्ट मैच पर्थ में होगा। 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा, जबकि चौथा टेस्ट मैच 3 जनवरी से 7 जनवरी तक सिडनी में खेला जाएगा। टेस्ट मैच के बाद वनडे मैच खेले जाएंगे। 12 जनवरी को पहला वनडे मैच सिडनी में होगा। इसके बाद 15 जनवरी को दूसरा वनडे मैच ओवल में होगा, जबकि तीसरा वनडे मैच 18 जनवरी को मेलबर्न में खेला जाएगा। भारतीय टीम का क्रिसमस और नया साल इस बार ऑस्ट्रेलिया में ही मनेगा। बॉल टेम्परिंग के चलते टीम से 1 साल के लिए बाहर हुए डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ के बिना ऑस्ट्रेलिया की रणनीति क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ पहली बार टीम इंडिया इस सीरीज में फेवरेट मानी जा रही है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।